रिपीट कर रहा हूँ, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ठीक है। मान लो कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, मार्कर कहाँ गए, सपोज करो एक रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये प्रोडक्ट बन रहा है एक्स सी प्लस डेल्टा डी, यानी तो गामा मान लो इसको, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, गामा सी और डेल्टा डी, ठीक है। तो यहाँ पे आर जो होगा अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए के कंसंट्रेशन और बी के कंसंट्रेशन और पावर, मैंने बोला कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तुम सोचोगे अल्फा बीटा ये नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, ये कोएफिशिएंट भी हो सकता है दूसरा भी हो सकता है, मतलब ये जो कोएफिशिएंट है इसको मतलब ये नहीं रट्टा मार के नहीं चलना है, मतलब ये एक्स होगा वाई होगा, एक्स और वाई ये वैल्यू गिवन होंगे हमारे पास, ठीक है। ये एक्स और वाई जो होगा तुम्हारा ये ऑर्डर होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए और ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये कितने ऑर्डर के रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर के सेकंड ऑर्डर के उसके अकॉर्डिंग गिवन रहेंगे। फिलहाल तुम ये मान के चलो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए और उसका पावर एक्स, कंसंट्रेशन ऑफ दूसरा वाला रिएक्टेंट और उसका पावर वाई, एक्स और वाई पता चल जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, न्यूमेरिकल करेंगे आइडिया आ जाएगा कैसे आते हैं, ठीक है। क्या हुआ, हम उलट गए, क्यों उल्टा दिया भाई हमको रे, किसने उल्टाया, एयरटेल की ऐसी कितने ऐसी, अभी ठीक है सीधा हो गया। तो देखो जब r का r इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन हटाएंगे तो एक आ जाएगा कि जिसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, या फिर स्पेसिफिक रिएक्शन कांस्टेंट भी उसको बोलते हैं, तो क्या कैपिटल के, ठीक है, ए टू द पावर x और b टू द पावर y, ठीक है। वेयर छाप लो इसको, वेयर क्या हो गया, k इज रेट कांस्टेंट और इसको बोल सकते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोल सकते हैं, और एक्स जो होगा ये होगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए और वाई जो होगा ये होगा ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। हाँ ये वही तो बोल रहे हैं, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आइडिया आ जाएगा, ये एक रिएक्शन है जिसमें ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, तो रेट जो होगा ये इस पर डिपेंड करेगा, इस मतलब इसके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये है मतलब ये कोई चीज़ है, मान लो सी एच फोर है तो कंसंट्रेशन ऑफ सी एच फोर और उसका पावर एक्स, एक्स जो होगा ऑर्डर होगा, ये बोला ना ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, यही तो न्यूमेरिकल से पता चलेगा। फिलहाल तो मान लो कि एक्स होगा, डिफिनेशन क्या था पढ़ के देखो, अल्फा बीटा काम नहीं लेकिन रिएक्शन में तो इन्वॉल्व रहेंगे, कोफिशियंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट पढ़ो ना, डिफिनेशन एक बार पढ़ो ना जोर से पढ़ो, बोल के मैं भी सुन रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए और बी का प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, आगे पढ़ो, हाँ देखो टू द सेम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट, इसके इक्वल भी कभी कभी हो सकता है कभी कभी नहीं भी, मान लो यहाँ पे है टू ए तो क्या पता यहाँ पे पावर टू हो जाए, तो मतलब तुम बोलोगे कि सर ये तो हो गया, नहीं भी हो सकते वन भी हो सकते हैं, आया बात समझ में, आगे पढ़ो क्या लिखा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल करेंगे ना तो आइडिया आ जाएगा, इसलिए पहले थ्योरी को समझ लो और न्यूमेरिकल करने से ये पूरा ही क्लियर हो जाएगा। अब ये यहाँ पे एक्स प्लस वाई जो हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा पी, ठीक है, और n भी हो सकता है, n होगा जब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, मतलब ये जो है p होगा एक साथ दोनों को हम एक साथ बोलने से p बोलेंगे, और या नहीं तो हम n बोलेंगे, n तब बोलेंगे जब ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन,
मतलब और ऑल ऑर्डर बोलेंगे तो एन बोलेंगे या फिर टी बोलेंगे, ठीक है? क्लियर हो जाएगा, न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इस चीज़ को छापो। अब बात करते हैं इनके ऑर्डर के बारे में, मिटा दूँ? हो गया सर जी, मिटा दें। ए भी आप जल्दी क्या दिख रहे हो? क्या देख रहे हो? कोई बात नहीं, सृजन को सीधा दिख रहा है। सृजन दिख रहा है ना? हाँ बोलो। बोला पर आवाज नहीं है। मार थोड़ी दी है, इसको मार बोलते हैं। ला मार के दिखाता हूँ, मार कैसा होता है। ऑर्डर होगा विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू बी, बोला ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू पी, ये ऑर्डर होगा, होगा ना? तो ये ऑर्डर जो है ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। क्या? एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। देखो रे भाई साहब सुन ले, ऑर्डर जो है एक्स और वाई ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ये तुम्हें मतलब डायरेक्ट तुम देख के नहीं बता सकती, ये तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा या फिर रिएक्शन को देख के खुद पता करना होगा। ऐसा समझ में, ऑब्जर्वेशन से, यानी तो तुम एक्सपेरिमेंट किया हो तो एक्सपेरिमेंट से तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है? ये एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। सेकेंड ऑर्डर जो होगा इक्वल टू कोफिशियंट भी हो सकते हैं, ठीक है? ये हो सकते हैं x इज इक्वल टू अल्फा हो सकते हैं, मे और मे नॉट भी इक्वल टू, बोले थे ना, y इज इक्वल टू बीटा हो सकते हैं। ये कब होंगे? जब वन स्टेप रिएक्शन होगा। क्या होगा? ये तब होंगे जब वन स्टेप रिएक्शन होगा। इसको हम सिंगल स्टेप रिएक्शन भी बोल सकते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन भी इसका नाम, एलिमेंट्री रिएक्शन। ध्यान से सुनो, ऑर्डर जो है, ऑर्डर मतलब एक्स और वाई का वैल्यू कोफिशियंट के इक्वल, कोफिशियंट क्या था, ए का था अल्फा, बी का था बीटा, ये हो सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू अल्फा, वाई इज इक्वल टू बीटा हो सकते हैं, कब? जब ये वन स्टेप रिएक्शन होगा, या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, तब ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए मैंने लिखा है मे और मे नॉट बी इक्वल, वरना ठीक है सीधा लिख देते ए का पावर अल्फा, वाई बी का पावर बीटा, परंतु ये सही नहीं है लिखना, ठीक है? अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, ऑर्डर जो होगा कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, निगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और ये डिपेंड करेगा एक्सपेरिमेंट पे। समझ में आ रहा है रिया चक्रवर्ती? तो घटा चल, देखो इस जगह पे जो बैठता है उसको मैं ज़्यादा पिटाई करता हूँ, इसलिए टेंशन नहीं लेना, आते रहना। अरे तन डाटा बेकार फर्स्ट पर खराब है, बोल रहे मैं गलत जगह बैठ गया, क्यों नहीं आया वो पढ़ने? ये मॉर्निंग में नहीं आता है ना, हमेशा ऐसा करता है। ऑनलाइन में कहाँ है तानिया और सीजन? कहाँ रह गई थी तानिया तुरे? इतना लेट आएगी तो थोड़ी कुछ समझ में आएगा। इसी टाइम पे मतलब उनके घर पे जाके कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल टू द रिस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहने का मतलब यह है कि अगर ये रिएक्शन दिया हुआ है, देखो ये दिया हुआ है अल्फा ए प्लस बीटा बी, थोड़ा पहले का वीडियो तुम देखना, ये बना है गामा सी प्लस डेल्टा डी, तो यहाँ पे जो होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, और इसका पावर हो जाएगा एक्स और इसका पावर हो जाएगा वाई। ये पावर जो है ये अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, जब वन स्टेप रिएक्शन हो, सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होता है, मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है? जहाँ पे एक्स है ऑर्डर ऑफ ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए,
वाई जो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है, और एक्स प्लस वाई जो है ये ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और दूसरी बात और क्या छूट गया, के के जो है तुम्हारा रेट कॉन्स्टेंट है, जिसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। तो इतना हमने पढ़ाया था। उसके बाद हम ये चीज मतलब ऑर्डर के बारे में बातें कर रहे थे। ऑर्डर जो होगा तो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होगा, ये हमें पहले से पता नहीं होगा, ये हमें निकालना पड़ेगा, पता करना होगा। ऑर्डर इक्वल टू कोफिशिएंट मींस एक्स इज इक्वल टू अल्फा, वाई इज इक्वल टू बीटा होगा जब वो सिंगल स्टेप या फिर वन स्टेप या फिर एलिमेंट्री रिएक्शन तीनों एक ही नाम हो, ठीक है। ऑर्डर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो और फ्रैक्शनल, ऑर्डर कुछ भी हो सकते हैं। अगला टॉपिक, किसने किया फोन, कोई भी करो भाई, हम नहीं उठाएंगे, बात खत्म, सही है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, फोर नहीं रे, टॉपिक नहीं उसी का, फोर्थ का जल्दी से टॉपिक बोल दिया, ठीक है। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऑर्डर कैन बी कैलकुलेटेड बाय मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ऑर्डर जो हम कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए। मैकेनिज्म मतलब क्या, रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना उसके प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप पे तुम्हें एनालिसिस करना, यही ना रिएक्शन मैकेनिज्म है ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को ध्यान में रखते हुए हम वो जो तुम्हारा ऑर्डर है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अब बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के, अगला टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। देखो मैं एक चीज कर रहा हूँ तुम लोगों के साथ, थोड़ा सा घोटाला कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, 5% कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम लोग क्या करना, जैसे देखो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है, सुनना, अब तक नहीं किया अभी से कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में जैसे थोड़ा सा नहीं, दो चार लाइन लिखते हैं, वो आप बुक पढ़ के खुद से लिख लीजिए, मतलब कॉन्सेप्ट है डेरिवेशन रिलेटेड वो हम करा रहे हैं, बस आप डिफिनेशन खुद से लिख लेंगे, बाकी बात का समझ में आ जाएगा, ये कर लेंगे, डिफिनेशन पढ़ेंगे समझ में जाएगा। जैसे एक एग्जांपल बताइए, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं कि मैं रेट लॉ पढ़ाता तो मैं यहाँ से शुरू करता। देखो एक रिएक्शन है अल्फा ए प्लस बीटा बी, ये बना गामा सी प्लस डेल्टा बी, उसके बाद ये चीज सारा समझ लेंगे, ये डिफिनेशन क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया तो बस ये काम आप कर लेंगे, डिफिनेशन दो लाइन को खुद से लिख लेंगे, हाँ तो ये खुद से सीख लेना है, ठीक है। और वो जरूरी नहीं है, इसलिए मतलब ये स्किप इसलिए कर रहा हूँ इस टॉपिक में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तरह से कोई नहीं पूछेगा, नया बात समझ में, पूछेगा ही नहीं, कभी नहीं पूछा, पूछेगा भी नहीं। इसका डेरिवेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना है, डेरिवेशन इसलिए ध्यान में रखना है, सुनना, क्योंकि कोई कोई न्यूमेरिकल एक आ जाता है नीट उट में, तो जिसमें मतलब प्रॉपर स्टेप के साथ चलना होता है, बाकी जो 12 में जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए डेरिवेशन भी जरूरी नहीं है, नहीं समझे, उसके लिए रिजल्ट जो आएगा बस वो जरूरी है, और हम न्यूमेरिकल करके आपको दिखा देंगे, जो कुछ भी जरूरी नहीं है, तो इसके लिए फालतू का उतना समय देना बेकार है, नहीं आ रहा समझ में। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को हम डायरेक्ट शुरू करते हैं, मान लीजिए शुरू करते डायरेक्ट, सही है ना। मान लीजिए ये ए है रिएक्टेंट, क्या है, ए है रिएक्टेंट और इससे बना प्रोडक्ट पी, तो दिक्कत, टाइम इज इक्वल टू जीरो पे ये सब चीज लिखा हुआ है, जो बात मैं बोल रहा हूँ वही सब चीज लैंग्वेज में लिखना है, तो ये आप लिख लेंगे खुद से। एट टाइम इज इक्वल टू जीरो कंसंट्रेशन कितना था, इसका कंसंट्रेशन जो है सी नॉट है, जीरो सेकंड पे कंसंट्रेशन सी नॉट, ये नहीं लिख पाएंगे आप लैंग्वेज में, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो कंसंट्रेशन इज सी नॉट एंड टाइम टी इज इक्वल टू टी कंसंट्रेशन इज समथिंग, मतलब होगा ना। अब टाइम इज इक्वल टू हमने ले लिया टी सेकंड मीन्स वन सेकंड, दो सेकंड, तीन सेकंड, चार सेकंड, तो वहां पे जो इसका कंसंट्रेशन है वो है सी टी, क्या है कंसंट्रेशन जो है, यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ ज्यादा अच्छा लगेगा, टाइम इज इक्वल टू जीरो और टाइम टी पर सुंदर लगेगा देखने में, कंसंट्रेशन जो होगा ये होगा क्या बोला मैंने सी टी अकॉर्डिंग टू बुक सी टी, हाँ कोई दिक्कत, ये चीज आया समझ में। तो यही डिफिनेशन और इसी सब चीज को क्या क्या लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तीन चार पांच लाइन में, तो ये आप नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आप खुद से बना के इसको लिख देंगे, कोई ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है परमिता चलने देना। तो देखो रेट की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन या फिर कुछ ऐसे बोलते हैं, मतलब क्या डिफरेंशिएशन होता है कि नहीं होता है, रेट मतलब क्या डिफरेंशिएशन, ठीक है, मतलब माइनस डी ए बाय डी टी, यहाँ पे वन लगा दिए। अब बोलो कि सर माइनस का है, डी ए बाई डी टी हमको समझ में, माइनस कर भाई कम हो रहा है, ठीक है, ग्राफ पढ़े थे ना, रिएक्टेंट में माइनस लगता है, प्रोडक्ट में लग तो ना, ठीक है, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अच्छा अभी जो हम पढ़े उसके टर्म में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, के के इन टू कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, और उसका पावर मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, हेडिंग अच्छा नहीं दिए, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो ऑर्डर फर्स्ट है तो यहाँ पे पावर कितना होगा, जो एक्स का वाई का वैल्यू मतलब वन हो जाएगा, तो ये ले लेंगे वन, ये बात आया समझ में, ये कर लिए, इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस ये ए जो है इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी ए, डी ए बाय ए, पहले अच्छे समझ में मुझे लिख लेना तो फिर लिखना, गलत ना हो जाए, और ये माइनस को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस के, और डी टी को भी इधर भेज देते, मल्टीप्लाई में चला गया के डी टी, बोले क्योंकि सर ये मतलब ब्रैकेट काहे लग गया, ये ब्रैकेट काहे लग गया, पहले तो डी ए था, तो पहले ए के रिस्पेक्ट में, अब हमने ये कंसंट्रेशन को लिया डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, तो कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में कर रहे तो इसका भी कंसंट्रेशन नहीं हो जाएगा, तो बस ये लिख दिए, ये बात देखो तो समझ में, स्टेप ये डी ए को मतलब डी टी को इधर भेज दिया, ए को इधर ले आया, अब माइनस को इधर भेज दिया, बोलो माइनस को ऐसे कैसे बच सकते, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, चला गया अपने आप, ये प्लस, ये बात आ गया समझ में सबको, आ गया, अब क्या करना है, ये टाइम इज इक्वल टू जीरो से, सॉरी एक सेकेंड, कंसंट्रेशन इस साइड का है और ये वाला डी टी, हाँ ये हो गया टाइम और ये हो गया नीचे में लिए मतलब ब्रैकेट मतलब कंसंट्रेशन, अगर डी एक्स लिखा हो तो क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर नीचे में मतलब डी ए लिखा हुआ है और ब्रैकेट लगा हुआ मतलब कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट, तो कंसंट्रेशन कितना था इनिशियल फाइनल, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे सी नॉट से लेके सी टी तक, कोई दिक्कत, और टाइम कितना था जीरो से लेके टी तक, कोई दिक्कत, हो गया बस इतना आप समझ गए, आगे की तो मैथ है, आगे की परिमिता है, ठीक है, इसको करते हैं, तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखूं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ, नहीं डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे नहीं है मतलब सही नहीं लग रहा है, मुझे सोचने दे, डिफरेंशिएशन ऑफ वन बाय एक्स, लॉग एक्स का वन बाय एक्स होता था ना, लॉग एक्स का वन बाय एक्स होता था ना, हाँ वही मैं सोचने देते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स एल एन एक्स, तो ये क्या होता है वन बाय एक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स इज इक्वल टू वन बाय एक्स, तो एल वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स, ये देखो तो वन बाय एक्स के फॉर्म में डिफरेंशिएशन, ये तो ये हो गया तुम्हारा डी एक्स, जैसे डी एक्स यहाँ पे लगाया ना, तो ये हो गया डी एक्स, डी एक्स, और नीचे में क्या है एक्स, मतलब कुछ आ रहा समझ में, तो ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एल एन ए हो जाएगा, नहीं आया समझ में, फिर से बता रहा हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो डी एक्स से तुम्हें मतलब नहीं है, डी अपन डी एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, ये क्या होता था एल एन एक्स होता था, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एल एन एक्स, अब डी एक्स तो पीछे लगेगा, फिर से गलत लिखते हैं, गलत तरीके, डिफरेंशिएशन ऑफ एल एन एक्स ये होगा वन बाय एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स, अब डी एक्स को लगाना ही पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा एल एन एक्स हो जाएगा, अब समझ में, इसका डिफरेंशिएशन ये, इसका इंटीग्रेशन ये, ठीक है, अब देखो तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, ये d मतलब डी एक्स है ये d, और इसको x मान के चलो, कंसंट्रेशन ऑफ एक्स मान के चलो, तो डी एक्स बाय एक्स हो गया, क्या हो गया डी एक्स, ये देखो डी एक्स बाय एक्स, तो क्या होगा एल एन एक्स होगा, तो मतलब ए को x मान के चलो, मतलब फॉर्मूले के टर्म में, फॉर्मूला से कंपेयर करने के लिए समझ में आ गया, इसको मैं क्या लिखूंगा, दिस विल बी इक्वल टू एल एन ए हो जाएगा, एल एन ए, जैसे मतलब इसको x मान लो, dx by x का इंटीग्रेशन एल एन एक्स, तो x की जगह पे ये लिख दिया, समझ में आ गया, इसके बाद इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना पड़ेगा, अपर लिमिट है ct, लोअर लिमिट है c नॉट, ठीक है, ct c नॉट इक्वल टू माइनस बाहर रख दिए, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया कॉन्स्टेंट, अच्छा ठीक है बाहर निकाल ली, dt मतलब इंटीग्रेशन ऑफ dx, dx मतलब कुछ नहीं तो वन, वन डी एक्स, तो इक्वल टू क्या होता था x होता था, याद आया ये फॉर्मूला भी साथ साथ लिखते जाना, x का डिफरेंशिएशन जीरो मतलब सॉरी x का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ये क्या है कांस्टेंट, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू
x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पता था ना, वन होता था। तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा वन, तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। आ रहा है ये बताए थे डिफरेंशिएशन, तुम लोग को नहीं आ रहा समझ में, पीछे वाले बच्चे सबको आ रहा है ना। इसी प्रकार यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली dt है, तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, क्या होगा t, तो t डाल देते हैं और क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, कोई दिक्कत, इसको साफ कर दूँ आप लोग। बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है, मजा ही मजा है, नाथ मजा। तानिया समझ में आया, टीपी तानिया पार्टनर, हाँ बोलो। हाँ सर। आप ठीक है? ये पहले ही लिख चुके हो तुम, ये फॉर्मूला सब सब तेरे कॉपी में लिखा हुआ है, जब डिफरेंशिएशन हमने थोड़ा सा बताया था। एक बात बताओ, उस दिन अगर एलिमेंट वाले के साथ ये ना पढ़े होते तो सिस्टम हैंग मार रहा होता अभी, तो हमको लग गया कि भाई ये चीज शायद इसको बता देना चाहिए। आप पर भी तो प्राउड फील करी हुए, आप मैथ का स्टूडेंट हैं क्या, हायर स्टडी में जब भी जाओगी ना तब याद आएगा रोशन सर, यार ये भाई सच क्या मैथ ले गया। मान लो तो फिजिक्स से जो अनर्स करती है ना, तो भी मैथ तेरा रुला देगा, अगर मैथ नहीं पढ़े होंगे इक्वल रूल कर देंगे, है बस समझ में, इसलिए पढ़ लेना ही मिटा दिया जाए सर जी। देखिए कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक बार एक जगह पे सी टी डाल देंगे, एक बार एक जगह पे सी नॉट डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, एल एन सी टी माइनस एल एन सी नॉट। आइए देखो, टी के जगह पे एक बार टी, टी के जगह पे टी माइनस जीरो, टी ही रह जाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्ट लिखते के टी इज इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। इसके बाद देखो ये माइनस हो गया, ये माइनस हमको नहीं चाहिए, क्या चाहिए, माइनस नहीं चाहिए, तो ठीक है एक स्टेप और करते हैं, लॉग ए माइनस बी इज इक्वल टू लॉग ए बाई बी, सी टी बाई सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, कोई दिक्कत, लेकिन हमें माइनस नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, ये जो पलटता है तो माइनस आ जाता है, लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग ए बी इज इक्वल टू माइनस लॉग बी ए, मतलब एल एन ए बाई बी इज इक्वल टू माइनस एल एन बी बाई ए, ये बात है समझ में, तो इसको पलट देंगे तो माइनस एल एन सी नॉट बाय सी टी इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस माइनस गया नानी के घर, तो क्या आ गया, एल एन सी नॉट बाय सी टी इज इक्वल टू के टी, कोई दिक्कत, पलट के लिख लेता हूँ थोड़ा, के टी इक्वल टू लिख लेता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला भी बन जाएगा, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाय सी टी, ये याद रखना है, एक ये रिलेशन आपको याद रखना है एकदम अच्छे से। तो देखिए थोड़ा एक चीज यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, एक लाइन सुन लीजिए ध्यान से, के टी जो हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, एल एन सी नॉट बाय सी टी, सी नॉट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, सी टी क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन, ये बात घुस गया दिमाग में, एक बात और आ जाएगा आपको, ऊपर का मिटा दें, ये अगर आप समझ लिए तो एक बात और समझ जाएंगे जो कि बिल्कुल आसान है, वो क्या है, एक तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, मैंने क्या बोला था डेरिवेशन जरूरी है 12 के लिए, ये फॉर्मूला जरूरी है, इसके चांस 1% नहीं समझे, लेकिन आसान ही तो है, हम सीख लिए तो दिक्कत क्या है, दिक्कत है क्या, लेकिन हाँ जब आप नीट वगैरह दे रहे हैं तो पता नहीं कहाँ से क्या क्या कंसंट्रेशन वगैरह दे क्या, उसके बाद बोल देंगे किटी बताइए, उल्टा पुल्टा पूछ सकते, कुछ भी पूछ सकते, उसका पागल है। तो सुनो, ये दिया हुआ जब कंसंट्रेशन है हमारे पास इनिशियल फाइनल तो उसके टर्म में, अगर मान लो कि कंसंट्रेशन ना दे के मोल दिया होता, हमने एन बी एक ले लिया था, ठीक है, अगर मोल दिया होता तो क्या करते, कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, मान लीजिए कि इनिशियल मोल आपका ए है, मतलब इनिशियल जो है, मतलब मोल दिया हुआ है, मतलब जितना भी जो आपका क्वांटिटी है वो ए है, क्या है, ए है, अब उसमें से जब प्रोडक्ट बनेगा तो कुछ खर्च हो जाएगा,
तो लास्ट में जो फाइनल में बचा, मान लीजिए x खर्च हो गया, तो लास्ट में क्या बचा, k माइनस x, यह इनिशियल, यह फाइनल, इनिशियल c1 था और फाइनल c2 है। तो मान लीजिए मोल के टर्म में हम बात करें, अभी कंसंट्रेशन के टर्म में नहीं, तो इनिशियल में कितना था, a था, रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट में हमें मिला, मतलब जो भी लॉस वगैरह वो माइनस करके a माइनस x, अब समझ में। तो मोल के टर्म में बात करेंगे तो kt हो जाएगा आपका ln a डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। ये भी फॉर्मूला याद रखिए, बस आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ये जो आपका सब्सटेंस था वो ए क्वांटिटी था, एक्स खत्म हो गया, ये फाइनल, ये इनिशियल, इन टर्म्स ऑफ मोल, ये लिख दूंगा तो अपने आप याद आ जाएगा मेरा बात, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल। अब याद आ जाएगा ना ये क्या है और एक्स क्या है, आ जाएगा ना दिमाग में, ये दोनों फॉर्मूला याद रखना, और एक और फॉर्मूला याद रखना है जो अभी डेरिवेशन करेंगे थोड़ा सा और इसको सॉल्व करेंगे तब आएगा, बुझलिए पूरी। हाँ बोल, मिटा दूँ, दिमाग में घुसत है, अब आगे देखिए टी, हाँ हाँ बोलो, कौन बोला सर, ऑनलाइन से क्या, देखो अब ये एक छोटा छोटा की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, वो याद रखने हैं, वो याद रह गए न्यूमेरिकल, मतलब तीन चार चीजें छोटी मोटी याद रखने हैं ये चैप्टर के, मतलब इस टॉपिक के न्यूमेरिकल, और इससे न्यूमेरिकल ही आते हैं एग्जाम में, पता है न्यूमेरिकल ही आते हैं, थ्योरी नहीं आते, ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल वाले तरीके से पढ़ रहे हैं। टी हाफ, टी हाफ का मतलब क्या होगा, 50% और टी 50%, टी हाफ और टी 50%, लिखो यहाँ पे लिखो, मतलब ये लिख दिया, आगे लिखो, द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड, द टाइम व्हेन हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम, टी हाफ का या फिर टी 50%, इसका मतलब ये हुआ कि वो समय, मान लो कि लगता है ना कि, मान लो कि सुनना, मतलब पूरा रिएक्शन कंप्लीट होने में मान ले लग गया एक घंटा, ठीक है, अब मैं बोलूँगा टी हाफ, मतलब टी 50%, मतलब ऐसे मैं नोटेशन यूज करूँगा, इसका मतलब होगा कि टाइम व्हेन द हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम, बार बार ये चीज़ मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा टी हाफ, टी 50%, टी 75%, तो तुम समझ जाना, टी 75% अगर बोला तो ये हुआ कि वो समय जब 75% रिएक्टेंट कंज्यूम्ड हो गया था, मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए, नहीं आया समझ में, तो टी हाफ, तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर, तो फिर टाइम क्या हो जाएगा, टाइम जो हो जाएगा टी, ये हो जाएगा टी 50%, अगर मान लो टी हाफ की बात कर रहे हैं, मान लो कि रिएक्शन एक लिखे हम उसको कैलकुलेशन कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो टाइम का वैल्यू क्या लेंगे, जैसे अभी इनिशियल टाइम सी जीरो लिए थे, फाइनल टाइम टी लिए थे, अगर मान लो टी 50% पर बात कर रहे हैं, तो जो तुम्हारा टाइम हो लेंगे वो ले लेंगे टी 50%, कितना ले लेंगे टी 50%, मीन्स जो फाइनल टाइम होगा उसका भी हाफ, तो सी टी, सी टी था ना फाइनल, था ना रे, तो सी टी क्या हो जाएगा, सी नॉट बाय टी, ठीक है, टी इज इक्वल टू 50%, तो सी टी इज इक्वल टू सी नॉट बाय टी, जितना लगता था उतना, मतलब उसका नहीं, मतलब जो कंसंट्रेशन का भी तो आधा ही होगा ना, मतलब 50% ही काम हुआ है, नहीं बात समझ में, क्लियर हो ये बात, ये हमने क्या लिया है, एक सेकेंड, ये सी टी है, टाइम नहीं है, ये सी टी है, सी टी, सी नॉट क्या था, इनिशियल, और सी टी क्या था, लेकिन टाइम है 50%, मतलब यहाँ से रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ तक हो रहा है, मान लो इतना होना है, तो सी टी तो यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमने टी हाफ लिया, मतलब 50%, आधा ही समय लगा है, तो कंसंट्रेशन भी तो आधा ही होगा ना, नहीं बात समझ में, तो सी टी क्या हो जाएगा, सी नॉट बाय टी, इनिशियली इतना था कंसंट्रेशन, सॉरी ये गलती, टू होगा, अब ठीक हुआ, सी नॉट बाय टू, मैं गलती से लिख दिया था, इसलिए हम मर गए थे, अभी आगे समझ में, टाइम हमने आधा लिया तो कंसंट्रेशन भी तो आधा होगा ना, तो सी टी मतलब जो अपना फाइनल, जैसे देखो रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे सी नॉट था, यहाँ पे सी टी है, तो तीन, यहाँ पे देखो टाइम था जीरो, यहाँ पे पहले समझो लिखना मत, टाइम टी था, लेकिन हमने बोला टाइम हम लेंगे 50%, टी लेंगे 50%, तो कंसंट्रेशन मतलब सी टी जो होगा फाइनल तो अपने लिए हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कंसंट्रेशन जितना था उसका आधा,
तो सी नॉट बाय, ये बात है समझ में, यहाँ पे मैंने गलती से क्लियर किया था। चलिए जब ये बात आपको समझ में आ गया तो आपको हम थोड़ी देर फॉर्मूला पढ़वाए थे, क्या था, के टी इज इक्वल टू एल एन सी नॉट बाय सी टी। तो ध्यान से देखिए, पहले समझिए, तो के टी हम निकाल रहे हैं के टी 50%, मतलब के टी निकाल रहे हैं, नीचे नहीं लिखना, के टी इक्वल में लिखना, यहाँ पे लिखना 50%, के टी 50% नीचे लिखना, ठीक है, जैसे एस एन नहीं लिखते, एस एन है बस समझ में। तो के टी 50% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एल एन। अच्छा फॉर्मूले में देखिए, सी नोट क्या था इनिशियल, सी टी क्या था फाइनल, तो अपना इनिशियल क्या होगा यहाँ पे सी नोट ही होगा, फाइनल क्या होगा सी नोट बाय टू डिवाइडेड बाय सी नोट बाय टू। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, तो सी नोट से सी नोट कटेगा, तो वन डिवाइडेड बाय वन बाय टू मतलब एल एन टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा एल एन टू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एल एन टू, ठीक है। अब क्या करेंगे, के को इस साइड ले आएंगे, तो टी 50% कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एल एन टू डिवाइडेड बाय के, एल एन टू डिवाइडेड बाय के। ये बात भी आपको क्या करना है, नहीं एक काम और, एल एन टू का वैल्यू भी यूज कर लेते हैं, एल एन टू का वैल्यू होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, मीन्स टी 50% जो होगा, याद रखना आपको 0.693, ये याद नहीं रहा तो पूरा काम खत्म, ये याद रहना एकदम, रट्टा मार लेना, रट्टा मार लेना, क्योंकि ये गया तो पूरा ये काइनेटिक्स ही गया, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे बाकी फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं, अगर ये भूल गए तो काम करें, ये मत लिखना है। तो तीन मैंने बोला था रिलेशन याद रखना, एक तो मोल्स वाला, एक तो पहला वाला जो बॉक्स में डाला था वो, और एक ये तीन याद रहने से सारा काम हो जाएगा। हाँ दिमाग लगेगा निकाल लो, हाँ कौन से कॉन्स्टेंट का, ये दिया रहेगा, रिएक्शन आने दो, कॉन्स्टेंट हमेशा गिवन होता है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो हमने सॉल्व किया टी 50% जो हमने निकाला, तो इसमें कंसंट्रेशन का कोई यूज हुआ क्या, नहीं यूज तो हुआ, लेकिन लास्ट में रिजल्ट देखो, रिजल्ट में कंसंट्रेशन का कोई यूज है, मतलब अगर कंसंट्रेशन नहीं दिया है तो भी हम निकाल सकते हैं। तो लिखो एक स्टार पॉइंट यहाँ पे, हाफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। बुझ लीजिए छोड़िए, इनिशियल के इंडिपेंडेंट, फाइनल पे तो थोड़ा बहुत कर भी सकता है, लेकिन लिख दे फाइनल भी लिख दे, लेकिन बुक में लिखा हुआ ओनली इनिशियल, तो इसलिए मैंने बोला, ठीक है इनिशियल एंड फाइनल कर सकते लिख सकते हैं, परंतु बुक में ओनली इनिशियल लिखा है, मैंने इसलिए ओनली इनिशियल लिखा है, बस समझ में। हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, डायरेक्ट कंसंट्रेशन भी लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, नहीं समझे, अब सुन मेरी बात। तो ये तो हो गया 50%, अगर पूछ दे हमसे कि भाई एक काम करिए, T75% हमें चाहिए, क्या चाहिए T75%, अब T75% का मीनिंग मत पूछना, शरीर का होगा कैसे सेम मतलब होगा, की जगह पे हाँ फोर कर देंगे, फोर ही करेंगे ना, नहीं कितना करेंगे, थ्री क्यों करेंगे, जब हाफ हुआ था तो टू से डिवाइड हुआ था, 75% होगा तो क्या लिखेंगे, पूरा होने से तो 4 होता था, पूरा होने से तो 100% हो जाएगा, इसलिए तो 4 से करते हैं, नहीं हाफ होने से ये भी 2 से करते, 4 से करेंगे तो फिर तो 25% आएगा, मतलब 75% निकालने के लिए 4 से करना पड़ेगा, 25% तो ये बचेगा ना, ठीक है, जैसे देखो लिखो T75% ऑफ रिएक्टेंट इज डिकम्पोज, T75% का मतलब हुआ कि जब
75% रिएक्टेंट डिकम्पोज हुए हैं। तो ऐसे कंडीशन में टी जो हो जाएगा तुम्हारा इन्हीं मतलब टी इज इक्वल टू टी 75% और सी टी जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी नॉट बाई फोर। क्या हो जाएगा? सी नॉट बाई फोर। अभी निकाल के देखते हैं, निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? के टी 75% इसी के जैसा, के टी 75% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एल एन सी नॉट बाय फोर। सी नॉट से सी नॉट कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? एल एन फोर। क्या आ जाएगा? एल एन फोर। और ये आ जाएगा एल एन टू स्क्वायर। क्या आ जाएगा? एल एन टू स्क्वायर मीन्स ये आ जाएगा टू एल एन टू। क्या आ जाएगा? टू एल एन टू। क्या आया? के टी 75%, ये बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और जो टी 75% आएगा, टी 75% ये आ जाएगा एल एन टू का वैल्यू, एक सेकंड, एल एन टू बाई के, ये देखो, हाँ सुनो, ये 50% के टर्म में लिख रहे हैं। एल एन टू बाई के क्या था? एल एन टू बाई क्या था? 50%। एल एन टू, ये देखो, बाई के ऐसा लिख लेते हैं एक बार, टू एल एन टू बाई के। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ, टी 75% इज इक्वल टू टू, एल एन टू बाई के था 50%। एल एन टू बाई के कहाँ गया? एल एन टू बाई के यहाँ पे नहीं लिखा है क्या? हाँ, ये देखो, ये 50%, तो यहाँ पे लिख देंगे टी 50%। मतलब इन दोनों में रिलेशन हुआ, क्या हुआ? टी 50% और टी 75% में। कभी कभी ऐसे भी घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को, ठीक है। टी टी 75% इज इक्वल टू टू बाई के, क्या के तो खत्म हो गया, कहाँ है के? एल एन टू बाई के, एल एन टू बाई के, ये देखो एल एन टू बाई के, ये एल एन टू बाई के, ये तो है टी 55%, इसके जगह पे तो टी 55% यूज कर लिया गया। तो जब 75% लिया रहेगा तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने से 100% नहीं हो जाएगा। तुम ऐसा सोच के चलो कि एक बार किए तो 1/2, अब फिर से 75% लगेंगे तो उस हाफ को फिर से करना पड़ेगा, तो फिर से 1/2, तो ऐसे 1/4, ऐसे समझ के चलो। मैथ वाला कॉन्सेप्ट मत लगाओ, इतना ही होगा मान लो। नया बात समझ में? आधा किए, ठीक है, 3/2, ठीक है, फिर ये 3/2 मतलब इसका लिखा, इसका भी करेंगे। बुक निकालो, देखो बुक निकालो, निकालो बुक निकाल के देखो ना। क्लियर करूंगा इसके बाद मैं, अभी 100 में लेके इसको क्लियर करूंगा। लादिखा इधर के और उसको तुम ढूंढना मिलेगा ये 75%, और मैं उसको दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा, इससे एक जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, ये जो अभी हमने पढ़ा, इससे एक जनरल एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि अगर हम लिखते हैं के टी एक्स परसेंट, के टी एक्स परसेंट, ठीक है, तो के टी एक्स परसेंट क्या होगा?
ये हो जाएगा एल एन, जो इनिशियल कितना था 100% था, अब फाइनल क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स कम हो जाएगा, फाइनल में तो कम हो जाएगा ना, नहीं समझिए पैसे के भी लिख लिया। तो ये हो गया तुम्हारा जनरल एक्सप्रेशन, लेकिन इसका यूज हर जगह पे नहीं हम कर पाएंगे। कहने का मतलब हम इसका यूज कब कर पाएंगे, जब हमें मतलब जैसे 90% 20% ऐसे करके दिया हो, लेकिन हमें दिया रहे मतलब कुछ इस प्रकार से 99.9%, तब दिक्कत हो जाएगा इसका यूज करने के लिए। जैसे इसका यूज हम कैसे करेंगे दिखा रहा हूँ, देखो केटी 90%, मान लो केटी 90% हम निकाल रहे, तो केटी 90% जो करेंगे तो आप पहले वाले की तरह हाफ करके, जैसे 50% में कैसे किए थे, देखो 50% में क्या किए थे, 50% में क्या किए थे, सी नोट को मान लिए थे, मतलब जो तुम्हारा सी टी था, सी टी इज इक्वल टू सी नोट बाय 2, 75% में सी नोट मतलब सी टी इज इक्वल टू सी नोट बाय 4 ये कर लिए थे, तो यही एक जनरल एक्सप्रेशन बन गया, इसमें इसी में डायरेक्ट पुट करके तो 90% निकालेंगे। तो चलो पहले 50% के लिए निकाल के देखते हैं, तो के टी 50% जो हमने निकाला था क्या इक्वल आता है कि नहीं, तो एल एन 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 50, तो ये क्या आ जाएगा एल एन 100 डिवाइडेड बाय 50, मतलब एल एन टू आ जाएगा, के टी 50% किया गया, यही के इधर पे आके इधर आ जाता था, तो 90% के लिए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एल एन 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 90, 100 माइनस 90 तो हो जाएगा एल एन 100 बाय 10, मीन्स एल एन 10 क्या आ जाएगा एल एन 10, लेकिन हम इसको एल एन में नहीं रखेंगे, इसको लॉग में लेके चलेंगे, क्या करेंगे लॉग में, तो एल एन होता है 2.3 लॉग, क्या होता है 2.3 लॉग 10, और ये हो जाएगा 2.3 और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, तो 2.3 मीन्स के टी 90% इज इक्वल टू 2.3, तो टी 90% क्या हो जाएगा 2.3 डिवाइडेड बाय टी 90% इज इक्वल टू 2.3 डिवाइडेड बाय के, देखो इसको, देखो तुम्हारे बात का मैं जवाब दे रहा हूँ अभी, देखो कभी डायरेक्ट रूप से नहीं आ पाता आंसर, इनडायरेक्ट रूप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 75% लिखते हैं जो तेरे दिमाग में चल रहा था, तो क्या हो जाएगा एल एन 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 75, ठीक है, तो ये हो जाएगा एल एन 100 डिवाइडेड बाय 25, 25 क्या होगा 1/4 नहीं होगा, अब समझ में, इसलिए फोर से कर रहे थे, क्लियर हुआ, उसको काटेंगे तो क्या बचेगा एल एन 4 बन जाएगा, आया था एल एन 4 बना था, इसलिए मैं तेरे को बोल रहा था यही होगा, कभी कभी कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं आता है, तो तुम लोग को आया समझ में कि 4 से क्यों, क्योंकि तुम्हारे मन में भी चल रहा होगा 75% है 3 से होना चाहिए, 3 से नहीं हो जाएगा ये, तब 33% हो जाएगा, आया बात समझ में, तो यहाँ पे हमने लिया तो देखो 25 का 4 एल एन 4 आ गया, अब उल्टा जाकर सोचो वहाँ पे, तो कुछ कुछ चीज़ें मान लेना चाहिए, जब नहीं समझ में आ रहा है तो हमने बोला था ना कि मेरे फिजिक्स के सर कहते थे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो उसको याद कर लो, आगे समझ में आ जाएगा, तो आगे जो है टॉपिक हम भी उस टाइम पे वही बहस करते थे, तो उस टाइम पे बाद में पता चला कि हाँ आगे पढ़ाएंगे तो आ जाएगा, जैसे उस दिन कुछ चीज़ें नहीं आ रहा था समझ में तो मैंने बोला ग्राफ बनाएंगे तो समझ में जाएगा, माइनस वाला बात नहीं आ रहा था, ग्राफ जब बनाए तो धर से समझ में आ गया, एक ही बार में आ गया, तो मिटा देना, तो 390% क्या होगा 2.3 डिवाइडेड बाय के, ठीक है, देखो जितना भी हम रिलेशन एक दूसरे में 75% और 50% में क्या रिलेशन है, 75% इज इक्वल टू सुनो टी 75% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टी 50%, ये सब चीज़ याद रखना, अभी हम क्या करेंगे 90% और 50% में रिलेशन याद रखेंगे, बोलोगे कि सर ऐसे करके बात किया जाए तो फिर तो बहुत सारा रिलेशन हो जाएगा, इतने सारे नंबर है, तो मैं बोल रहा हूँ 5-6 ही याद रखने, और एक बात की पूरी गारंटी है, पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे उस 5-6 पे ही बेस्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, तो अपने को याद है सीधा टी 75% 50% दिया रहेगा तो सीधा कर देंगे 2 × 50% खत्म, उतना नहीं याद रहेगा तो भी हम सोल्व कर लेंगे, लेकिन इसके लिए 2 पेज मेहनत कौन करता है भाई, तो इससे अच्छा 5 याद ही कर लेंगे, 75% याद हो गया टी 75% इज इक्वल टू 2 × टी 50%, और टी 90% होता है 3.33 × टी 50%, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कैसे होता है, ये 90% याद रख ली 2.3 पे के, ये सब चीज़ जो भी बता रहा हूँ ये सब चीज़ बुक में नहीं लिखा है, ये सब हो गया तुम्हारा
मतलब वही चीज जो एक्स्ट्रा जो ट्यूशन में तुम सीख रहे हो, मतलब ट्रिक की टाइप कि उसको हम डायरेक्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके कर लेंगे। हो भी सकता है कहीं पे कोने उने में रिफरेंस वेफरेंस में लिखा होगा, ऐसा नहीं है कि कहीं पे नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, सारी बातें दूसरे बुक में लिखे हो सकते हैं। क्या पता हाँ तुम वो बुक देख रहे हो जो मतलब जो बुक हम नहीं देखें, ऐसा भी तो हो सकता है। 90% कितना आया था अभी? 2.3 बाय के। अच्छा 50% कितना आया था? 0.693 बाय के। इसको हमने सॉल्व किया था तो क्या हो गया था, मतलब ये एल एन टू बाय के था, ठीक है, एल एन टू का वैल्यू था, उल्टा लिखते हैं एल एन टू का वैल्यू, तो उसके भी उल्टा चलते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 2.3 लॉग 2 बाय के, मतलब कि 50% ये आया था, हमने इसको ये लिखा था, इसको ये लिखा था, लिखा था। अब देखते हैं इन दोनों में क्या रिलेशन है। 90% अरे यार गलत मार्क कर देते हैं, 90% डिवाइडेड बाय 50% ले लेते हैं, ठीक है। तो 90% क्या था, 2.3 डिवाइडेड बाय के, और ये जो हम ले रहे हैं इसके में भी लॉग वाला वैल्यू था, ये लॉग का ले लिए थे तब ना हुआ था 2.3 लॉग ln ln क्या था ln 2 = 2.3 log 2 हुआ था ना, ठीक है। तो हम ये वाला अभी इसका भी लॉग वाला वैल्यू लेंगे, हम उल्टा इसलिए लिखे क्योंकि हमें लॉग वाला वैल्यू चाहिए, तो 50% में लिख लेंगे 2.3 लॉग 2। इतना करने का टाइम तेरे पास होगा नहीं, के से के कट गया, 2.3 से 2.3 कट गया, तो ये क्या बच गया, 1 बाय लॉग 2, सही बोली, नीचे वाला कट गया, ऊपर में बचा 1, और ये तो ऊपर वाला है ना, ये फटेगा ऐसे बनेगा ना, मल्टीप्लाई करो तो 1 बाय लॉग 2, और लॉग 2 का वैल्यू कितना आता है 0.3, तो हो जाएगा 10/3, 10/3 क्या हो जाएगा 3.33, मींस ये क्या आया 3.33, 90% डिवाइडेड बाय 50% इज इक्वल टू 3.33, मींस हम कह सकते हैं कि 90% जो होगा वो होगा 3.33 टाइम्स 50% का, गलत है क्या? ये बात मैंने कभी तेरे को बोला था कि ये क्यों होता है ये बताओ, क्या हुआ सर ये बोल रहे हो, अरे ज्यादा कंफ्यूजन है तो उल्टा के मल्टीप्लाई कर दो, ये जाएगा ऊपर होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, के कैंसिल, 2.3 कैंसिल, लॉग 2 ये पलटेगा मल्टीप्लाई होगा तो नीचे नहीं आ जाएगा लॉग 2, क्या यार तो क्या था, हमने 2.3 लॉग ही निकाला था, गधा कहीं का कहाँ कहते थे उसको, मुझे ढूंढने में थोड़ा, मतलब सर ln2 को हम 2.3 लॉग क्यों नहीं लिख सकते, ln इज इक्वल टू 2.3 लॉग, अभी भी तो 10% के बिल्कुल कराए थे, ln इज इक्वल टू 2.3 लॉग, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, किस किस को मजा नहीं आ रहा है, बोर कौन कौन हो रहा है, ये भी परमिता आ रहा है समझ में, अच्छा मैं तो दुखी हो गया था, तू ऐसे ऐसे मुंडी डुबाई तो मुझे लगा नहीं है। तानिया पार्टनर आ रहा है समझ में, सृजन यस सर, मैं सोच रहा हूँ केमिकल काइनेटिक्स जहाँ से शुरू हुआ पिछले का वीडियो को एडिट करने में बहुत समय लगेगा, साथ ही साथ काम ना करिया जाए, जैसे तुम लोग का जम गया ना, मैं सोच रहा हूँ जितना भी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है सबको यूट्यूब पे छोड़ दिया जाए साथ ही साथ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि तो पुराना 150 वीडियो को कौन एडिट करता है, अभी साथ ही साथ करने से एक एक करके डेली एडिटिंग हो सकता है ना, इससे अपना चैनल का एडिटिंग बढ़ेगा क्योंकि चैनल अभी डेट होने के कगार पर चला गया, क्योंकि कुछ डालते ही नहीं है, बस बना हुआ है 282 सब्सक्राइबर के साथ पड़ा हुआ है खाली दुकान। अगर इसको वीडियो छोड़ा जाए तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, अपने आप बढ़ेंगे, देखेंगे लोग। तो डायमंड डायमंड यार देखो पहली बात कि पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं बनाया गया, मतलब उसमें जैसे वीडियो बनाएंगे लाइक करिए सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, हमें किसी वीडियो में जो हमने जितने भी दिन पढ़ाया यूट्यूब पे कभी ये बात नहीं बोला, फिर भी नीचे सिंबल नहीं दिया ही नहीं कुछ नहीं दिया, मतलब आपको अच्छा लगे तो अपने आप करिए, मन से समझ जाइए, ठीक है, नहीं लग रहा है तो मत करिए, हम आपसे भिखारी है भीख मांगेंगे क्या, कृपया करके आप लोग अपनी माँ की कसम है लाइक कर दीजिए, ये बात बोलना चाहिए वीडियो देखने के बाद मैं क्या करता हूँ पता है, उसको अनसब्सक्राइब करता हूँ पहले, जो ये बात बोलता है ना उसको ब्लॉक मार देता हूँ परमानेंटली,
सही है ना। और कोई कोई तो ऐसे बोलते हैं सब्सक्राइब कर दिमाग के लिए, फिर मैं कि तो सब्सक्राइब करके फिर अनसब्सक्राइब कर देता। कुछ लोग गाली मतलब बोल देता कि अगर आप नहीं करोगे तो आपका दिन पूरा चला जाएगा। ऐसे बोलते हैं अगर शेयर करोगे तो कल का दिन तुम्हारा अच्छा होगा, उसको ब्लॉक मार दो पूरा। क्या बोला, लाइक अनलाइक करने के लिए? तो हम लाइक अनलाइक नहीं कर रहे, हम आपको ब्लॉक कर दे रहे, बात खत्म। परमिता कसम दे रहे लाइक अनलाइक करने के लिए, हम ब्लॉक मार देते हैं ना, ब्लॉक मारने के लिए कोई नहीं था ना, उसको ब्लॉक कर दो खत्म। ऐसे फालतू वीडियो देखना नहीं चाहिए। पता है यूट्यूब पे जाने का मन इसलिए नहीं कर रहा है, ये बहुत बड़ा कचरा प्लेटफॉर्म हो गया है। हर चीज जब से ये रील्स वील्स डाल दिया ना, मतलब यूट्यूब एकदम बेकार हो गया है। ऐड इतना देगा ना कि दिमाग का नस ढीला हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या करना है, पांच चीज याद रखना है। क्या करना है? पांच चीज याद रखना है, ठीक है? हाँ, टेबल में आलू 375% 390% 399% 399.9% फिफ्टी तो याद ही है यार, वो तो वैसे ही याद है 399.99%। परमिता सिल लाए कितना मार्क्स, और बाकी पुकी लाएगी 99.9, और ये लाएगी जो बगल में बाकी वो लाएगी 99। मतलब इधर से शुरू करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। रिया टेंशन में नहीं रे, फोर्थ ये है रे, फोर्थ ये है। चलो हाँ, तानिया कुछ पूछ रही थी, बोलो तानिया। वो अपनी बायो सर आने वाले हैं। तो अब आप तो ये तो आपका प्रॉब्लम है, क्या करना है आपको, करना है इसको कंटिन्यू या फिर बायो पढ़ना है, आपकी मर्जी। ये तो रिकॉर्डिंग में भी रहेगा, बाद में भी देख सकते हैं। ये देखो ये क्या हो जाएगा, टू टी वन। हाँ ठीक है, आप लेकिन देखना जरूर, टू टी वन बाई टू ये हो जाएगा, ये याद रखना है 3.33। अब ये क्यों याद रखना है ये मत पूछना, ये याद रखना है तो रखना है टी वन बाई टू, ठीक है? ये टू टू कैंसिल नहीं है, ये तुम्हारा टू टी वन बाई टू, ठीक है? ये ऐसे याद रखना है। और ये जो हो जाएगा 6.66, अरे काटना नहीं है, ये याद रखना है, काटना नहीं है, 2.66 टी वन बाई टू, जो बोल रहा हूँ वो करो ना, यूज करेंगे न्यूमेरिकल में आइडिया आ जाएगा कि क्यों नहीं काटना है। अरे इसको काटना नहीं है भाई, मैं बोल रहा हूँ काटना नहीं है, इसको याद रखना है, ठीक है? हाँ काट देंगे तो काम ही बिगड़ जाएगा। 9.99 टी वन बाई टू, इसको हम देखो न्यूमेरिकल में हम ये यूज नहीं करेंगे, हम न्यूमेरिकल में टी टी वन बाई टू यूज करेंगे। 9.99 टी हाफ है ना, इसको हम 9.99 को अप्रोक्स टी यूज करेंगे, वरना कैलकुलेशन 10 टी वन बाई टू, ये टी टी टे टे इतना हो रहा है नहीं, 10 टी वन बाई टू सब में टे हो रहा है, नहीं हो रहा है। और ये 13.34 टी वन बाई, अब सुन मेरी बात, एक और ट्रिक बता रहा हूँ, ये तो हो गया, रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने का ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे याद रखेंगे, ठीक है? इजी है, कैसे? देखो 2t1/2 ये तो याद रहेगा, दूसरा वाला भी याद रखना 3.33t1/2। अब देखो यहाँ पे इसका डबल ये, और इसका ट्रिपल ये, इसका 4 times ये, एक याद हो गया तो बाकी सारा याद हो गया। अरे करके देख ले कैलकुलेशन भाई, हमने बोल दिया तो सही है ना, कैलकुलेशन कर रहा है, भरोसा नहीं है मेरे पे, भरोसा नहीं होता सर। ये जोर के देख रहा है कि सही में 4 टाइम्स है क्या, मल्टीप्लाई करके देख रहा है, ठीक है? तानिया तुम कर सकते हो बायोलॉजी का क्लास, सर आ जाएंगे तो बाद में देख लेना। अगर YouTube की तरह ट्रीटमेंट बन गया ना, सुनो YouTube की तरह अगर ट्रीटमेंट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अगर बन जाए फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, ये तो अभी पेड है ना, ट्रीटमेंट तो पेड है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट वाला अगर ये बन गया, उसमें सबसे ज्यादा व्यूज सब्सक्राइबर हमारे रहेंगे। नहीं बात समझ में, अभी कितने देर देखा जा चुका है पता है, ये टोटल वीडियो 2.3k मतलब 2300 आवर देखा जा चुका है अपना वीडियो, 2300 घंटे, मतलब इसके हिसाब से देखा जाए अगर YouTube पे 2000 घंटे हो जाते हैं तो ये हो जाता है चार कर दिया, इतने कम समय में 2.3k हुआ, तो अभी और एक महीने में 4 नहीं हो जाएगा पूरा और होगा तो तब आपका उससे मालिक इसके बाद आने से।
पैसे नहीं कमाने हैं, पैसे तो तुम लोग से ले लेते हैं, काम खत्म है। क्वेश्चन लिखिए सर, आपको पता है आपके YouTube चैनल में ऐड आता है। अरे आजकल बच्चा लोग एक स्टेटस लगाता रहता है कि आज मैंने फोटो डालता रहता है, देखो इतना कमाया, 500 600 ऐसे। सर वो ज्ञान कमाओ। ये क्या है ज्ञान कमाओ? मोदी जी ने, मोदी जी ने किया नहीं? बहुत सर को ना बैंक में तुम्हारा अकाउंट हैक करके पूरा पैसा ले। ये है क्या ज्ञान कमाओ? सर वो ज्ञान कमाओ में ऐसे वो ये सिर्फ स्टूडेंट्स लोग मतलब कैसे बोलो किशोर किशोरी के लिए है, समझ में मतलब समझ गया। तो इन तो आपको यहाँ पर 5 स्टेप है, डायमंड सिल्वर गोल्डन, इसके लिए करना क्या होता है? इसमें आपको पहले एक बार सेविंग का एक बार पैसा ढालो और बार बार पैसा मिलेगा, मतलब एक चेन गेम है। आप जाओगे आपको कोई मतलब इसको इस पे इन्वॉल्व करेगा तो फिर इसके बाद आप और पैसा मिलेगा। क्यों मतलब हम डाल दिए तो हमको मिलता रहेगा पैसा? अरे मोबाइल नहीं वैसे बताओ, 8000 से आप ज्वाइन किए हैं तो फिर आप अगर दूसरों को मतलब कि बोला कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं तुम भी आ जाओ, तो फिर क्या होता है वो अगर 8000 से प्रॉपर मतलब कि ज्वाइन किया तो फिर मुझे 4000 आपको हाँ मिलेगा उसका हाँ। और अगर प्लेटिनियम से घुसेंगे आप तो फिर इसमें 8000। क्या मोदी जी मोदी जी मोदी जी ऐसी चीजों को प्रमोट नहीं करते? और सब लोग तो यही बोल रहे थे वीडियो में भी, बेवकूफ बना रहे तुम्हें। और सर क्या करते हैं? फालतू है ये हाँ। फर्स्ट फर्स्ट में ऐसे पैसा देते हैं, इसके बाद उसका अकाउंट तले तले तक उठा ली थोड़ा तो भाई तले तक। और सुन ये जो अरे हला नहीं, मैं मोदी जी के बारे में किसी को कोई जानकारी होगा तो हमको पहले होता है। मोदी जी ने तो ऐसा कभी कुछ नहीं बोला था, ज्ञान कमाओ ये करो किशोर किशोरियों के लिए, वैसे फोटो लगा के उनका बोल दिया होगा। इस पे अगर कंप्लेन कर दीजिए तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है ना? कर दीजिए सर, बहुत से लोग बैंक से पैसा लाके तुम्हें क्या होगा, बैंक अकाउंट डिटेल सब मांगेगा, सारा चीज मांगेगा, पैसा डालेगा, तुम स्क्रीन शॉट लगाओगे उससे वो बहुत चीज जानकारी ले लेगा। उसके बाद सुनिए ना, पैसे जो उठा के लाते हैं बैंक के रियल रियल पैसा। हाँ कुछ लोग होते हैं होशियार जैसे मेरे तरह, पैसा आया बैंक का अकाउंट वैसा देंगे जिसमें 500 रुपए रहेगा, नया अकाउंट खोल के उसमें पैसा आया निकाल निकाल के निकालते जाओ, लो लूटो तुम क्या इतना लूटो। कितना पैसा पहले डालना पड़ता है? अरे ये मत करना रे गधा, चुप, प्रमोशन हो गया फालतू का ये सब चीज बोल। निकालो 375% और 99.9% निकालो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है? कंडीशन क्या दिया हुआ है? टी हाफ दिया हुआ है 10 मिनट, एक रिएक्शन हो रहा है जिसमें टी हाफ 10 मिनट मतलब 20 मिनट तक ये रिएक्शन चला होगा, ठीक है? और क्या बी में ए इज इक्वल टू 69.3 सेकेंड, ऐसे में चलाएंगे इससे पर सेकेंड कैसे करेंगे बताइए? ए नंबर देखिए, शुरू करते हैं, क्या दिया हुआ है? T half is equal to 10 minute. तो T 75% क्या हो जाएगा? 2.50%, ठीक है? Means 2 into 10 is equal to 20 minute. हाँ बोलो, आज जब 20 निकाल लेंगे तो T 99.9 निकाल लेंगे। कितना आसान है बताइए तो, T 99.9 रिलेशन बताइए। कुकु बोलोगी और कोई नहीं बोलोगी? T 99% 99.9% इसका है 10 10 T 1 by 2 हाँ तो 10 टी वन बाय टू, ठीक है? 10 टी वन बाय टू, ये गधा क्या कर रहा था? उसे को काट दे रहा था। कौन से गधे से? ये गधा है। टी वन बाय टू कितना है? 10 है। ये काट के पूरा बिगाड़ देता है। ये कितना हो जाएगा? सर उसने बोला गधा को मारना चाहिए। नहीं यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है ना टाइम। अरे यार ये देखना ये के का वैल्यू दिया हुआ है। नहीं मतलब तू ए नंबर बात करना पहले, यहाँ पे क्या बोला? फाइंड टी 75% टी 99.9% तो टी मिनट में दिया हुआ है, हमने मिनट में निकाला। अब देख फर्स्ट ऑर्डर एक, अब ये सेकंड वाला जो दिया ना उसका अभी देखेंगे, समझ में आएगा सेकंड में क्या होगा। ये मिनट में निकालो तो सर, आवर में देता तो आवर में निकालो। हाँ जो दिया उसी में निकाल देंगे, सेकंड में निकालना है तो निकाल दें, मल्टीप्लाई कर दें। किसी में कन्वर्ट करना नहीं चाहिए, यहाँ पे जो दिया हुआ था ना उसी में निकाल लेंगे, ठीक है? क्या बोला? फाइंड द टी 75% और तुम्हें कंडीशन दे रखा है, मिनट में देखा तो ऑब्वियसली मिनट में रखेंगे, सेंटीमीटर में कोई चीज दिया होता तो सेंटीमीटर में हम मान सकते हैं। और सर टी 99.9 होगा ना कहाँ पे?
और नहीं नहीं सही है सही है मैंने तो सही लिखा 99.9 को लिखा अरे दीदी हां कलर विलेज ये बोल रहा है 10 अरे 9.99 को हमने बोला था ना 10 लिखेंगे ऊपर वाला भी लिख अरे नहीं सर आपने हाफ ही लिखा लेकिन बी की लिख मुझे लगा बी है मैं भी फर्स्ट में बी अरे बी लिख तो ये नहीं ऊपर वाला बी लग बी होगा कैसे भाई जी ये तो बोल रहे हैं जस्ट रिव्यू कर रहा है तुम लोग पागल हो पता है फालतू की बातों में ज्यादा समय बर्बाद करते हो अब देखो ये हो गया फर्स्ट वाला कंप्लीट अब सेकंड के टर्म में मिटा दो इसको दुनिया में देखो पहला ईमानदार आदमी हमने देखा जो खुद मतलब पहला ईमानदार गधा देखा आदमी तो बहुत देखा था जो गधा खुद को गधा बोल रहा है समझ में आ गया ना परमिता परमिता ही नाम है परमिता से मैं दो बच्चे का नाम बोल रहा एक परमिता का एक परमिता का याद है ना परमिता का नाम भूल गया मतलब देखो याद है नहीं आया बताओ केवल अभी बता रहे सेकंड में करना अभी बात करेंगे देखिए अब इसका यूज करके करते हैं के कितना दिया हुआ है चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से बी नंबर ठीक है ओए बी नंबर के कितना दिया हुआ है 69.3 पर सेकंड अच्छा टी 50% क्या होता है के टर्म में बताया फॉर्मूला 0.693 बाय के तो 0.693 डिवाइडेड बाय 69.3 ठीक है काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1/100 सेकंड ठीक है क्या अब निकालेंगे टी 75% ये हो जाएगा 2 × t 50% हो जाएगा ये देखो है बंटा क्या नाम है बंटा तेरे लिए मैंने हाफ को हटा दिया 50% लिखा 50% लिखना है ठीक है 2 × 1/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.02 सेकंड पर सेकंड ये पर सेकंड में होगा ना पर सेकंड में होगा ना पर सेकंड ठीक है नहीं पर सेकंड नहीं नीचे आ गया सेकंड में टाइम है ना सेकंड में होगा पर सेकंड में तो क्या था ठीक है तो ये तो पलट जाएगा अच्छा टी 99.9% क्या होगा 10 × 50% पता है ना 1/2 नहीं होता है 10 × 50% कितना निकला कहाँ गया 0.1 सेकंड मजा आ गया हाँ बोलो ना बच्चे हाँ सुनो एक बात और बता रहा हूँ तो ये तो था कि अगर ऐसे उल्टा पुल्टा करके पूछ ले तो अब मान ले भाई इसी में एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ सुनना भाई अल्लाह ने फर्स्ट बेंच वाले बोलते क्यों मारूंगा फिर मेरा गुस्सा तुम भूल गए क्या अगर बोल देता सी नंबर में कि फाइंड टी 60% मान लो इफ टी हाफ इज इक्वल टू 10 सेकंड था ना 10 सेकंड मतलब मान लो कि ऐसे डायरेक्ट पूछ देता ये तो 75% ये सब में रिलेशन हमको पता है ना ओए सुनना इन सब में रिलेशन तो हमको पता है इसलिए हमने रिलेशन से कर लिया लेकिन अगर तुमको वो डायरेक्ट पूछ देता तब क्या करते तो याद करो बचपन में हमने बोला था तुम्हें कि के टी इज इक्वल टू क्या होता है ln a बाय a माइनस x था ना रे a माइनस x ये था
तो इसका यूज कर लेंगे, बोले था कि इसको रटा मार लो तो उसमें यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा KT 60% इज इक्वल टू LN, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100%, ठीक है 60% हो रहा है ना, तो x का वैल्यू 60% होगा, तो 100 - 60 ये कितना हो जाएगा LN 100/40 काट देंगे तो क्या हो जाएगा 10/4 LN 10/4 LN 2.4 क्यों लिखेंगे अरे 5/8 LN 10 अच्छा K का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं ठीक है K का वैल्यू K जो है तुम्हारा वो होता है 0.693/T हाफ होता है ना क्या सर 0.693 T हाफ तो ये डाल देंगे K का वैल्यू K इज इक्वल टू 0.693 T हाफ ठीक है और T हाफ तो दिया हुआ है ना T हाफ इज इक्वल टू 10 सेकंड तो ये क्या हो जाएगा 0.693 / 10 ये हो जाएगा 0.0693 ठीक है ये यहाँ पे पुट कर देंगे और ये आके इसको डिवाइड कर देगा LN 10 का ये 2. ये डिवाइड इसलिए नहीं करे क्योंकि LN 10 का वैल्यू हमको पता है LN 4 का भी वैल्यू पता है तो इसलिए नहीं कर रहे डिवाइड ताकि इन दोनों को डाल के ए बाई बी करके सॉल्व कर लेंगे ये वाला वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर देंगे ये हो जाएगा और उसको इस वैल्यू को फिर यहाँ पे लाके डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 60% हाँ पीछे में सेकंड लगेगा पीछे सेकंड लगेगा मैं गलत सोच लिया तुमने बोला तो देखो ये 60% जो हो जाएगा ये बॉक्स में डाल दिया ठीक है ये 60% LN 10 हम LN को लॉक कर लें कब ना 2.3 log 10/4 ऐसे लिख देते हैं log 10 माइनस log 4 डिवाइडेड बाय 0.6 अरे यार 0693 अब देख सुन मेरी बात इसको एक स्टेप पर ले लेंगे log 10 माइनस 2 log 2 क्यों लिखा पता है 2 का स्क्वायर ये 2 इधर आ गया डिवाइडेड बाय समथिंग अब देखो log 10 का वैल्यू पता है 1 और माइनस 2 × 0.3 मतलब ऐसे करके सॉल्व कर लेंगे आप तुम जो बोल रहा है कि 2.5 कर देते हैं तो लोग 2.5 का वैल्यू कैसे निकालेगा बता पॉसिबल है इसलिए बोला ये नहीं करेंगे ठीक है तो मगर लोग ऐसा होता तो ऐसे करते जो चीज़ अपने लोग ने याद नहीं किया है सुनना जो चीज़ हमने याद नहीं किया जैसे 60% याद नहीं किए थे तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 40% 30% जितना परसेंट बोल ले भाई अपन को सब आता है ठीक है ऐसे बोलना अपन को सब आता है उसके बाद कर लेना सर एक बात बोलो अभी उस समय बोल रहे थे तो मुझे कल सामान नहीं पड़ रहा है अभी 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 बंटा बंटा और बंटी भी बोला बंटी नहीं अच्छा आपने पढ़ा था चुप 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 आगे देख हाँ ये इन टर्म ऑफ वोल्ट्स में कौन मतलब वो 560 वोल्ट्स में निकाले मोल्स में भी ऐसे ही चलेगा ठीक है और ये ऐसा कर इसको ऐसा लिख हाँ सही में ये मोल्स वाला लग रहा है 100 अब ये कर दे 100 - 60 डायरेक्ट कर दे कॉन्सेप्ट को अब ठीक हो गया अब मोल्स वाला हट गया फॉर्मूला मोल्स वाला लिख देते लेकिन दोनों तो सेम ही तरीके से चल रहा है मतलब इसका मतलब हो कि 100% था 60% हम निकाल रहे हैं तो 100 - 60 ये सही कर ले एक 100 बनाना आसान है अच्छा तुम लोग रोटेशन फिर से बंद कर दिए क्या नहीं रोटेशन में बैठ रही हो ना हाँ एकदम अगले दिन ये बैठेगा आगे ये जाएगा पीछे पता नहीं कल ये लोग सामने बैठ गए ये पीछे बैठ गए कल हम लोग मॉर्निंग में आई इवनिंग ना मॉर्निंग में चल रहा है ओनली रोटेशन इवनिंग में नहीं ओनली मॉर्निंग में इवनिंग में जो पहले आए वो इवनिंग में 10 पहले इवनिंग में भी चलाओगे रोटेशन नहीं मतलब जो पहले आए वो बैठे इवनिंग में देखो चार ही गर्ल साथी हो वो परमिता तो ऑनलाइन रहती है ये भी आ जाती है तो परमिता की जगह बैठ जाती है हो जाता है ना आप बॉयज भी तीन ही होता है तो क्या रोटेशन करेगा जो पहले आए वो पहले लड़की फिर लड़का पहले मतलब रात को बैठना परसेंटेज के हिसाब से जिसके कम परसेंटेज आए थे वो आगे बैठेंगे जिसके ज्यादा आते पीछे बैठेंगे फिर तो खिचड़ी हो जाएगा अरे भाई मजा आया कि नहीं आया
कैसा है ये चैप्टर बताओ? बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। 50% कह सकते हैं, 50 नहीं, 40 या 45%। अभी और पढ़ेंगे तब 45%, मतलब अभी ये फिनिश हो जाएगा ना आज का टॉपिक तो 45%। बायोलॉजी में कितना चैप्टर हुआ रे? ट्यूशन वाले पहले बताओ। 10 चैप्टर हो गया। 3 बायोलॉजी का तो 2-2 पेज का चैप्टर है। एक चैप्टर था ना 4 पेज का, अच्छा तो फोटो 2 दिन में हो गया होगा, 1 दिन में नहीं, 4 दिन में। अरे रोशनी मैम, अरे रोशनी मैम, इसको बोल रोशनी मैम, तुम कितना चैप्टर किया? कितना चैप्टर किया? मैलो जी, ये वो मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का जो है ना वो फर्स्ट मतलब वीडियो ही बनाई, मतलब 2 पार्ट में बनाने वाली थी लेकिन सेकंड पार्ट नहीं बनाए तो फर्स्ट पार्ट ही कर पाए। तो सेकंड दूसरे का देख ले, कर लो। दूसरे का अच्छा नहीं लगता मतलब वो नहीं बनाएंगे तो फोर्थ का फेल हो जाएगा। नहीं इसलिए नेक्स्ट चैप्टर में मतलब मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो 2 चैप्टर हुआ थे, 2-3 चैप्टर कैसे हुआ, ये तो आधा ही हुआ ना। अब उसका भी आधा ही हुआ, चल ही रहा है अभी तो, आधा इसका मिला के एक हुआ तो 3 हो गए। सिप्रा मैम कौन थी रे? सिप्रा मैम तूने कितना चैप्टर कंप्लीट किया? 1.5। और कहाँ गया तू? कौन सी मैम थी? 92 वाला कितना हुआ तेरा? पढ़ते नहीं हो तुम लोग क्या? ले बंटे मारूंगा, सर फोड़ दूंगा। कितना देर पढ़ती है बायोलॉजी डेली? ये छोड़ देती है, तुम लोग पागल हो क्या? तुम तो ऑफलाइन ट्यूशन आती तरह एमबी कैसे खत्म रहता? देखो एमबी उमबी है, एमबी उमबी ये क्या होता है? मतलब तुम तो एक बार आती हो यहाँ पे रात को बस ऑनलाइन करती हो तो एमबी को खत्म होने देती हो? एमबी को खत्म मत होने दे, एक्स्ट्रा पैक डलवा ले। इतना ट्यूशन में पैसा बर्बाद करती है, 150 रुपये का पैक डलवा ले, ठीक है एक्स्ट्रा। अब उसके बाद एमबी खत्म नहीं होने देना, डेली एक। मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ये 60 दिन तेरे जिंदगी के आखिरी 60 डेज है, आई बात समझ में? इसके अलावा तुम्हें समय नहीं मिलेगा। और मैंने क्या बोला था कि बायोलॉजी के 5-6 चैप्टर पढ़ के जाना। क्या कर रहे हो तुम लोग? 1 महीने में 1 चैप्टर तुम पढ़े हो, ये 1 महीने में 1.5 चैप्टर पढ़ा है, 2 चैप्टर। अगर अच्छे से पढ़ो, तू डेली पढ़ता है जो, ईमानदारी से बता। और एक कौन थी, तू कौन सी मैम से पढ़ते थे? रितु मैम, इसने कितना पढ़ाया? 2 चैप्टर। तो देखो डेली पढ़ती है ना, डेली पढ़ती है। सर एक्चुअली सर बोलो, पहले का रिवाइज कर दो। क्या पहले का ही रिवाइज कर दो? रिवाइज चैप्टर 2 प्लीज। आगे वो तो बहुत सारे वीडियोस का रिकॉर्डेड होगा ना, पढ़ा होगा ना बहुत सारा, ये लाइव आती है। हाँ तो उसको देख देख के सुनो। तुम लोग क्या करो, ऐसा कुछ प्लान बनाओ। तुम लोग का काम ही क्या है? तुम आए हो आराम से, तुम्हें खाना है और पढ़ना है, दो ही तो काम है ना। तो फिर समय को बर्बाद मत होने दो। जैसे सुबह में जागते हो तो 1 घंटा वीडियो देख लिया करो, आलतू फालतू मोबाइल मत चलाओ, 1 घंटा वीडियो देख लो, 1 घंटा वीडियो देखो, थोड़ा सा रेस्ट करो, नाश्ता उस्ता करो, पढ़ने आ जाओ। फिर यहाँ से जाते हो तो अपना यहाँ का ट्यूशन का काम करो, फिर शाम में समय मिलता है तो थोड़ा सा देख लिया करो। ऐसा समझ में, ऐसे समय निकाल के करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मैंने क्या बोला था, कम से कम 6 चैप्टर करके जाओ,
स्कूल में देखो इतना प्रोजेक्ट करो, ये करो, उस बहुत सारा काम दे देगा ना, नहीं दे देगा, कॉपी कंप्लीट करो, ये करो, वो करो, समय कहाँ मिलता है स्कूल में। उसके बाद बच्चे अलग से शैतानी करेंगे, पढ़ने नहीं देंगे। तो अभी ही जो पढ़ पाओगे कम से कम 50% सिलेबस कवर करके जाओ। आ रहे समझ में? हाँ। एक बात और है कि अगर सच्ची निष्ठा से पढ़ा जाए तो 4-5 चैप्टर से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता कोई भी आदमी। ये मतलब ये सच बता रहे, 4-5 चैप्टर बोला ना मैंने, क्या बोला, 5 चैप्टर 6 चैप्टर, लेकिन तुम अगर बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो 6 चैप्टर हो पाएगा, वरना 4 चैप्टर होते होते तुम्हारा बैंड बच जाएगा कोई भी सब्जेक्ट में। अभी देखो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर शॉर्टकट में पढ़ लिए होते तो मे बी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होते, नहीं हो चुके होते ऊपर ऊपर से तैर तैर के निकलते। तो अगर डीपली जाके पढ़ रहे हैं तो देखो 2 चैप्टर भी फिनिश होने में 1 महीना लग गया, मतलब 4 चैप्टर हो सकते हैं 2 महीने में। आगे के चैप्टर छोटे हैं इसलिए ज़्यादा भी हो सकता है। अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे थे, 20-22 दिन पढ़ लिए थे, तब जाके मतलब ऐसा लग रहा था कि खत्म ही नहीं होगा, नहीं हो रहा था, अभी खत्म हो गया। ये चैप्टर देखो इतना जल्दी 50% पे पहुंच गया। देखो ग्राफ, ग्राफ अभी ग्राफ करेंगे, ठीक है, किसका ग्राफ करेंगे, मतलब कुछ वेरिएबल है इनके बीच में, ग्राफ अभी पढ़ते हैं। बातें नहीं, तुम लोग के पास समय नहीं है, तुम लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हो, फिर बाद में रोओगे, और जैसे इस बार के बच्चे मुँह लटका के बाद में है वैसे तुम भी आओगे मुँह लटका के। समय बिता चुके हो तुम, समय गंवा चुके हो, आज आखिरी दिन है मई का, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3-3 से 7 महीने तेरे पास। जनवरी में तुम्हारा प्रैक्टिकल हो रहा है, डेट शीट आ गया पता है, 12 का एग्जाम का डेट आ गया पता है, क्या सर 12 बोर्ड एग्जाम का डेट नहीं देखा तुम लोग, क्या यार पागल हो तुम लोग क्या, फरवरी के फर्स्ट वीक में डेट भी दे दिया, डेट भी शायद 4 या 5 तारीख ऐसे करके दिया है, मतलब एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, फरवरी के फर्स्ट वीक में। वजह क्या है पता है, इलेक्शन लोकसभा चुनाव मार्च में है, तो इसलिए उससे पहले एग्जाम कराया जाएगा, और तेरे पास 6 महीने बाकी है। ये मत देखो कि अभी 2 ही महीने बीते हैं, तुम लोग क्या सोच रहे हो, अभी अप्रैल मई दो ही तो बीता है, अभी तो 10 महीने नहीं, मई चला गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, जनवरी में तुम्हारा इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और फरवरी के फर्स्ट वीक में मतलब 2-3 दिन में तुम्हारा वैवा करा जाएगा, 3 दिन में 3 वैवा करा जाएगा, 4 दिन में 1-2-3-4, नहीं समझे, 4 सब्जेक्ट है ना, डेली 1 वैवा, कॉपी वूपी सब कुछ सबमिट, तो ये सब तैयारी तो पहले से ही करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर तेरा एग्जाम लगातार तरातर एग्जाम होगा, रिजल्ट जून में दे देगा, जून नहीं मई में दे देगा रिजल्ट, मई के सेकंड वीक में। मतलब हम लोग मार्च के फर्स्ट वीक में नहीं, सेकंड थर्ड वीक में आ जाओगे, गैप होगा ना एग्जाम में, नहीं मार्च में कहाँ, फरवरी में ही आ जाओगे, फरवरी के लास्ट वीक में आ जाओगे कौन, हाँ तो अगर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च जाएगा ज़्यादा ज़्यादा। ये डेट आ गया अभी नहीं, ये करीब 10 दिन हो चुके हैं डेट आए, मैंने बताना भूल गया था, किन का पूरा सेंट्रल लेवल पे चल रहा है ना, केंद्र सरकार तेरा कनेक्शन है ना, तेरे को खिला रहा है, तेरे को पिला रहा है, तेरे को पढ़ा रहा है, सब कुछ फ्री में करा रहा है, तो उनका कनेक्शन है ना, एजुकेशन मिनिस्टर सीधा तेरे से संवाद करता है कि हमारे बच्चे कैसे हो, सही है ना, तो लिखो ग्राफ। तो इसलिए कितना देर समय है, कितना मैंने जोर के बताया था, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 7 महीने, 7 महीने आज से 7 महीने, कल से 1 दिन कम हो जाएगा, परसों 1 दिन और कम हो जाएगा, इसलिए अपने जिंदगी के आखिरी महीना समझो, किसको आखिरी महीना क्या, हाँ 1 महीना बचा है ना, 6 महीने स्कूल में बिताओगे, आखिरी महीना समझना जून को। फिर से मैंने 2 महीने पहले भी बोला था कि ये 2 महीने तेरे जिंदगी का आखिरी महीना, जितना फाड़ सकते हो फाड़ डालो, मूवी भी देखना है आज जाके देख लेना, कल से कुछ भी नहीं करना है, नया बात समझ में, पागलों की तरह पढ़ना है, अगर अभी पागलों की तरह पढ़ोगे तो स्कूल में जाके 1-2 महीने थोड़ा चैन की सांस ले पाओगे। देखो फर्स्ट नंबर ग्राफ हम पढ़ रहे हैं LNCT वर्सेस टी, ओए टाइम और LNCT के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो क्या होता है KT इक्वल टू क्या होता है LNCO/CT, बातें करो फिर बोलना कि सर समझ नहीं आया कैसे हुआ, मुझे पता है, तो KT इज इक्वल टू क्या हो जाएगा LNCO - LNCT, तो LNCT क्या हो जाएगा, यहाँ से LNCT जो हो जाएगा ये हो जाएगा -KT प्लस LNCO, मतलब अगर मैं इसको गौर से देखूं, अगर मैं इसको y मान लूं तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स
प्लस सी, ये दिख रहा है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, माइनस साइन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ उसका जो कर्व ओपन होगा मतलब स्लोप उधर की तरफ होगा, ठीक है। और सी मतलब y y इक्वल टू, ये देखो y है मतलब LMCT, क्या है LMCT मतलब y इंटरसेप्ट c, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इंटरसेप्ट मतलब y जो है y यहाँ पे c इंटरसेप्ट करता है, y का वैल्यू कितना LMCT मतलब LMCT इंटरसेप्ट कर रहा है, गलत बोल दिया मैंने, y इंटरसेप्ट LMCT मतलब इसका जो ग्राफ होगा नीचे बनाना, ये ग्राफ इधर पे हमने ले लिया y एक्सिस, इधर पे ले लिया और ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, हां कुछ इसको इधर ले आए तो एल एन सी टी हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया, यहाँ पे कौन बचा एल एन सी नॉट, के टी इधर आया तो माइनस के टी हो गया। सर इसको बाद में कहने पहले क्यों लिखे, तो पहले इसलिए लिखे कि y इक्वल टू मैथ प्लस सी होता है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है मैथ का 11th, y इक्वल टू mx प्लस सी ये होता है मैथ का, कंपेयर कर रहे हैं इसको, ये वाला आ गया मान लिया इक्वेशन 1, और हमने मैथ में पढ़ रखा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, 9th में भी पढ़ रखा है, 9th में भी है, हाँ अभी नए वाले सिलेबस में दिया, और तुम्हारे पुराने वाले में भी है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी होता है, 10th में भी कोई कोई मतलब क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। 11th में बहुत ज़्यादा डीपली है, तो y अगर नहीं पता है तो ये देख लो y इक्वल टू होता है mx प्लस सी, जहाँ पे समझ लो बता रहा हूँ मैथ का कॉन्सेप्ट, LMCT की जगह पे हम y लिखेंगे। अरे जो बता रहा हूँ पहले वो सुन ना भाई, जब आगे बता दिया तो फिर पीछे बोलते हो, जब पीछे बताते हो तो आगे पूछने चले जाते हो, पहले ये समझ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो मतलब फॉर्मूला होता है मतलब इक्वेशन होता है वो होता है वाई इक्वल टू एमएक्स प्लस सी, जैसे एक्स इक्वल टू फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई, ऐसे तो नहीं पैराबोला सबका होता था, इसी प्रकार सर पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स सर्कल सबका इक्वेशन होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, वाई और एक्स के वैल्यू चेंज करते रहेंगे, और ये एम जो होता है स्लोप, एम इज इक्वल टू होता है टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, तो इसको हमने अरेंज किया रीअरेंज किया, तो यहाँ से मतलब इसको हमने इसके साथ कंपेयर किया तो हमें y का वैल्यू कितना मिल रहा है LMCT, मतलब इसका जो ग्राफ बनता था y इक्वल टू mx प्लस c का ऐसा भी हो सकता है, y इक्वल टू mx प्लस c का ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, y इक्वल टू mx प्लस c का ऐसा भी हो सकता है, मतलब स्ट्रेट लाइन होता है, और ये डिपेंड करता है कि y पे कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, तो ये वाला जो होता था y पे m इंटरसेप्ट मतलब जो स्लोप होता था m होता था इसका टेन थीटा होता था ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है y को हम कंपेयर कर रहे हैं LMCT के साथ, LMCT जो होगा ये होगा माइनस के टी प्लस LMC नॉट, मतलब ये इस फॉर्मेट में बैठ रहा है, जैसे नहीं गिवन इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करके फिर ABC का वैल्यू निकालते थे करते थे ना, तो बस वैसे ही मानो कि मतलब ये y एक्सिस पे जो होगा ये LMCT होगा, क्या होगा LMCT, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये क्या होगा LMCT, ठीक है, और यहाँ से जो इसका ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा, और ये जो k है k क्या है इसका स्लोप है, क्या है स्लोप मीन्स 10 थीटा इज इक्वल टू एम जो होता था यहाँ पे एम जो होता था ये होता था 10 थीटा, तो 10 थीटा इज इक्वल टू माइनस के क्या हो जाएगा 10 थीटा इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्लोप लिख देंगे ऐसे स्लोप जो है वो क्या है माइनस के, ये ग्राफ बन जाएगा, बात समझ में LMCT हाँ ठीक है, और ये ग्राफ किसके बीच में है LMCT के बीच, तो LMCT ऐसे दिखा देना और यहाँ पे टाइम वर्सेज टाइम, ठीक है। अब पूछो हाँ माइनस के टी है ना, इसको हम माइनस के एम की तरह से नहीं एंगल मतलब ये स्लोप मतलब ये जो तुम्हारा 10 थीटा का वैल्यू हाँ उसको तो पॉजिटिव में ये करके लेना होगा, ठीक है, बस ये डायरेक्शंस को बदल सकता है एंगल, कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज नहीं हो जाता है, बस यहाँ पे हमको लिख देना है कि स्लोप कितना है माइनस के, बस हो गया, बाकी इसका कोई यूज नहीं है, कुछ भी यूज हुआ इसका कुछ यूज हुआ क्या, बस ग्राफ ड्रॉ कर दिए, बस ये मान लेना वाई पे कितना होगा LMCT होगा, अब बाकी ऐसे होगा, अब क्या करेंगे log CT वर्सेस T, तो LN ही तो log होता है LN में 2.3 मल्टीप्लाई कर देने से log बन जाता है ना, तो ग्राफ कैसा होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है सेम टू सेम, बस यहाँ पे लिखे हुए चीज बदल जाएंगे, लेकिन ग्राफ
का नेचर वैसा ही रहेगा, ठीक समझे, मिटा दूं। देखो एलन की जगह हमने ले लिया लॉग सिटी वर्सेस टाइम, इसका ग्राफ। तो देखो के टी क्या आया था, 2.3 के टी जो होता है 2.3 लॉग सी नोट बाय सी टी, के टी इज इक्वल टू एलन सी नोट बाय सी टी था ना, तो एलन को हमने लॉग में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे था ना के टी इज इक्वल टू एलन सी नोट बाय सी टी था ना, तो इसमें हमने एलन को लॉग में कन्वर्ट कर दिया, 2.3 कर दिया, किया गया। अभी देखो के टी डिवाइडेड बाय 2.3 इज इक्वल टू लॉग सी नॉट माइनस लॉग सी टी, मतलब ये कर दिया हमें किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, लॉग सी टी और टाइम के बीच में, मतलब हमें लॉग सी टी से ये लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो इसको हम ले आते हैं लॉग सी टी इज इक्वल टू लॉग सी नॉट, दूर में क्यों लिखे क्योंकि हमें वही एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट मिला, माइनस के टी बाय 2.3, माइनस के टी बाय 2.3 या प्लस लॉग सी नॉट, ठीक है। तो उसको फिर से कंपेयर कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस भी हमने डाल दिया। तो इसको जो ग्राफ ड्रो करेंगे सेम टू सेम ग्राफ पहले वाले की तरह बनेगा, इधर का टाइम ले लेंगे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे क्या ले लेंगे लॉग सी टी, लॉग सी टी, और ये जो वैल्यू होगा ये होगा लॉग सी टी, स्लोप इसका क्या हो जाएगा m का वैल्यू, यहाँ पे देखो यहाँ पे t है तो t को x मानो, तो माइनस k बाय 2.3 क्या हो जाएगा, माइनस k बाय 2.3, माइनस k बाय 2.3 ये x के टर्म में है, तो x को t समझो, मतलब वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ये करो कैंसल आउट, t हो गया इसका स्लोप। और ये y इंटरसेप्ट कितना हुआ, ये y इंटरसेप्ट कितना हुआ log c t, लिखे थे ना पिछले बारे में, देखो 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 गलती लिख दिया, एक सेकंड दोनों में थोड़ा थोड़ा गलत हो गया, सुनो एक चीज गलत बता दिया, बोला सही था वाई इंटरसेप्ट सी बोला था, लिखने के टाइम पे गलती कर दी, सुनो वाई इज इक्वल टू लिखना मत कुछ, मिटाना पड़ सकता है, एम एक्स प्लस सी होता है तो एम तो होता है स्लोप और सी क्या होता है वाई इंटरसेप्ट सी, बोले थे नहीं बात, मतलब ये जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो सी का वैल्यू होगा ना, ये जो वैल्यू होगा ये सी का वैल्यू होगा, y एक्सिस को c इंटरसेप्ट करता है, रूल ऐसा है मैथ का, है ना रे, ऐसे भी अगर तुम ड्रॉ करते हो तो यहाँ पे जो c का वैल्यू होगा वो इधर पे होगा, ऐसा ग्राफ कब बनेगा जब c का वैल्यू निगेटिव में मतलब चला जाता है, ठीक है, c का वैल्यू निगेटिव हो तो ये c निगेटिव आएगा ना y एक्सिस पे, तो ये चीज़ होता है। तो पहले वाले ग्राफ में, इस वाले ग्राफ में पहले बता देता हूँ कि इसको जो हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये तो हो गया y का वैल्यू, हमने y पे ये चीज़ लिख दिया था y एक्सिस को c इंटरसेप्ट करता है, तो ये log c नोट होगा, यहाँ पे क्या होगा log C नॉट, ये बोला y का जो वैल्यू है ये होगा log C नॉट, C कॉन्स्टेंट, रुक जाओ पहले ये समझ लो log C नॉट, और ये ग्राफ किसका है log C T का है, वही तो दोनों चीज सेम हो जा रहा था, ये भी ध्यान गया, दोनों चीज सेम कैसे होगा, log C T है ये, इधर है टाइम, तो y इंटरसेप्ट C होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y एक्सिस को C इंटरसेप्ट करता है, मतलब y एक्सिस पे जो डिस्टेंस होता है ना होता है C, ठीक है, यहाँ पे C की जगह पे log C नॉट, ये log C नॉट, पहले वाले में देखो मैंने यहाँ पे लिखा था तुम्हें एलन सी टी, क्या लिखा था एलन सी टी, तो ये तो ग्राफ हो गया एलन सी टी वर्सेस टाइम, और ये यहाँ पे जो हमने लिखा था ना ये एलन सी टी लिखा था, यहाँ पे एलन सी नोट लिखो, क्या लिखो एलन सी नोट, पहले वाले में एलन सी नोट, ये जो है ना एलन सी टी, देखो दो बार हमने लिखा था, ये कहाँ लिखी एलन सी टी, यहाँ पे लिखा, ये होगा एलन सी नोट, और यहाँ पे लिखा एलन सी टी, रो लगा के एलन सी टी वर्सेस टाइम, सब लोग सही कर लिए, फिर से बताता हूँ पहले वाले डायग्राम में देखो क्या करना है, ये वाला एक्सिस जो था ये था एलन सी टी, ये हो गया ठीक, लेकिन ये वाला जो वैल्यू था ना, ये वाला वैल्यू है ln c0, आ समझ में, यहाँ पे सही है, तो दूसरा वाला में ln log c t है और ये होगा log c0, बाकी बन कहाँ पे, हाँ ले जा ना जहाँ तक ले जा, ऊपर ले जा, हेलो ना 12 बजे पाँच छह ग्राफ है टोटल,
पांच से पता नहीं, हाँ चार है और भी है, देखते हैं। हाँ स्लोप, स्लोप होता है टेन थीटा का वैल्यू निगेटिव होता है, साइन बाय कॉस अगर होता है तो हो सकता है, टेन थीटा एंगल एंटी क्लॉक वाइज मिलेंगे तो हाँ तो हो सकता है। तो मतलब उधर भी माइनस भी हाँ, पर आपने पहले क्यों नहीं, क्या पहले के निकाल दिया, नहीं नहीं माइनस के लिखा था स्लोप, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c। अब इसमें m नेगेटिव आ गया तो केस स्टडी हो गया, ओरिजिनल इक्वेशन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, इसलिए मिटा दिया था। हाँ ठीक है, थर्ड नंबर देखो, t 50% और c नोट के बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, t 50% और c नोट के बीच का t 50% वर्सेस सी नॉट। तो देखो टी 50% क्या होता है, ये होता है ln 2 by k, ln 2 by k। तो देखो इसको अगर मैं बोलू y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इज इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट, मतलब अलोंग दी x एक्सिस y का वैल्यू कॉन्स्टेंट है, x बदल रहा है, y का वैल्यू कांस्टेंट है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है अपना आंसर, एम एक्स प्लस सी सॉल्व करके आ गया अपना समथिंग वैल्यू, ये तो कुछ वैल्यू है ना, कांस्टेंट है ना, तो y कांस्टेंट है मतलब क्या, ग्राफ अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं हो जाएगा, तो सिंपल से सबसे आसान हो गया x y, है बात समझ में। और ये कितना इंटरसेप्ट होगा, देखो अगर मैं इसको सुनो सुनो y सुनना, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ, तो एक्स पे तो कोई पॉइंट नहीं है, मतलब ये तो जीरो है, जीरो प्लस कांस्टेंट, नया बात समझ में, तो सी पे तो इंटरसेप्ट कर रहा है लेकिन एक्स का तो कोई भी वैल्यू मतलब नहीं, एकदम कांस्टेंट का फिक्स है, ठीक है। तो ये चला जाएगा तुम्हारा ऐसे और ये हो जाएगा एल एन टू बाय के, इसका इंटरसेप्ट है एल एन टू बाय के, लेकिन ये ग्राफ किसके बीच है, टी 50% और टाइम के बीच, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, सर फिर से बोलिए ना सर, क्या बोलूँ फिर से बोलो, हाँ ln 2 ये वैल्यू कांस्टेंट है, 10 20 कुछ तो वैल्यू है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूँगी y इज इक्वल टू कांस्टेंट हमने क्यों लिखा, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी कांस्टेंट ही होता है ना, इंटरसेप्ट सी जितना मतलब ये करता है, तो यहाँ पे हमें ये क्या है, यहाँ पे तो कुछ नहीं जीरो है, ये कुछ है क्या, नहीं है ना, हमें नहीं मिला इस वाले में, नहीं मिला, ओरिजिनल होता है परंतु है नहीं, मतलब क्या x का मतलब कोई वैल्यू चेंज ही नहीं हो रहा है, x का वैल्यू देखो यहाँ पे कांस्टेंट है, या पर भी मतलब x y का वैल्यू कांस्टेंट हो गया, ठीक है, ये मैं बात बता रहा हूँ, मतलब जो तुम्हारा कांस्टेंट का ये वैल्यू होगा ना, इसलिए मैंने y इक्वल टू डायरेक्ट कांस्टेंट लिख दिया, y कांस्टेंट है मतलब क्या, x वेरी कर रहा है, y कांस्टेंट हमने लिखा, y का वैल्यू y इक्वल टू x प्लस c, मतलब क्या, x वेरी कर रहा है लेकिन y कांस्टेंट है, ये देखो 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 जा रहा है y कांस्टेंट, ठीक है ऐसे समझो। फोर नंबर, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, इसको मिटा दूं, छाप लिया ना, यहाँ पे लिखो सी नॉट, यहाँ पे लिखो टी 50% और ये है वाई इंटरसेप्ट एल एन टू बाय के, स्लोप कितना होगा इसका, जीरो, स्लोप मतलब क्या, एंगल जीरो, तो ये स्लोप जीरो। फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में रेट वर्सेज कंसंट्रेशन, रेट वर्सेज कंसंट्रेशन का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो मान लो कि ए कोई रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट बन गया इससे, तो आर क्या होता है, रेट जो होता है के ए टू दी पावर वन, क्यों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, के इंटू कंसंट्रेशन और ऊपर में डिग्री इसका वन, मतलब क्या, इसको अगर हम कंपेयर करें आर को, मैं अगर वाई मान लूँ तो क्या आ जाएगा, एम एक्स प्लस सी के, एम एक्स प्लस सी तो है नहीं, कॉन्स्टेंट नहीं है ना रे, वाई इक्वल टू एम एक्स, मान लो इसको हम मान लेते हैं, अरे ये कंसंट्रेशन तो कुछ ना कुछ है ना, कॉन्स्टेंट कैसे हो जाएगा, यहाँ पे कॉन्स्टेंट का वैल्यू कुछ भी नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं जा रहा है, मतलब सी पे कोई इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, सी पे कोई इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, तो ये ग्राफ चला जाएगा ऐसे, यहाँ पे स्लोप हो जाएगा के, क्या हो जाएगा, स्लोप के, ठीक है, एक्स y इधर पे ले लिया, रेट
इधर पे ले लिया कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के साथ मल्टीप्लाई है तो कंसंट्रेशन हो गया ना, कांस्टेंट कैसे कर देगा एक्स, आई सुन 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 5 है तो ये y के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट कैसे हो जाएगा, इसका असर होगा ना y एक्सिस पे ना, ये कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, कंसंट्रेशन से क्या मल्टीप्लाई, कंसंट्रेशन के बाद का हुआ उसमें चला जाएगा। आई बात समझ में, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा इक्वल टू k, ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, अब ग्राफ नहीं है, अब टॉपिक बदल रहा हूँ, अब ग्राफ नहीं है, रहने देते हैं, अगला टॉपिक हम अगले दिन से करते हैं, ठीक है। और करेगा, रहने देते, कितना 4-5 पेज हो गया, कल रिकॉर्ड बना दिए थे हम लोग, 11-12 पेज कर दिए थे ना, 6 हुआ मेरा, गर्मी।